गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बात कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे बच्चे जो HW दिए थे वे ड्राई किए, बहुत खुशी की बात है। हाँ, फिर उसको देख लें जो थोड़ा सा कोवेलेंसी के बारे में जो भी हम बात किए थे वे 100% सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिला। तो ये जो है कितना कोवेलेंसी होगा इस बात को हमको चेक कर लेना है पहले, उसके बाद आगे कुछ बात करेंगे। तो ऑक्सीजन सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p कितना 4 हो जाएगा 2p4। तो p के पास कितने ऑर्बिटल होता है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 1 करके रखा जाए। ध्यान दीजिए p के पास ऑर्बिटल 3 होता है, यानी ये 3 बॉक्स होता है और प्रत्येक बॉक्स में 2 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है मैक्सिमम। हुंड एक रूल है, यानी सिर्फ समझिए अभी रूल, जो इलेक्ट्रॉन एक एक करके रखे तो 3 और है मेरे पास कितना 4, आप कहीं भी रख सकते हो एक। यहां से अब बताइए जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलिएगा, तो 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वे 2 है, देयरफॉर कोवेलेंसी इक्वल टू 2। कोवेलेंसी का मतलब बॉन्ड बनाने का क्या जो कैपेसिटी है वे 2, जैसा कि हम लोग जानते हैं H2O, यहां पे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए हुआ है और देखिए ये जो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है वे एक ही ऑर्बिटल में है, तो एक लोन पेयर और दूसरा ये, तो लोन पेयर 2 हो गया। अब सवाल है जो इसको भी तो हम दिखा सकते हैं, तो क्या इसको लिया जाएगा कि नहीं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि यही दोनों का दोनों वैलेंस सेल में है। तो अभी कोवेलेंसी 2 है, लेकिन ध्यान दें बहुत इंपोर्टेंस है, जो ऑक्सीजन का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक वैसा हाइड्रोजन को दे सकता है जिसमें जिसके पास H+ हो, तो H+ इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो फिर से देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा, तो अब तो इसको अच्छा से और दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा समझने में परेशानी होगा और हम पढ़ावे और परेशानी हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दे दिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। अब यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वे नॉर्मल हाइड्रोजन जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए ये वैसा हाइड्रोजन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था वे बॉन्ड बनाया, और फिर जो ये 2 हाइड्रोजन दिए उसके पास है, तो अब हम कह देंगे H3O, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया है इसीलिए प्लस, और ये लोन पेयर तो ज्यों का त्यों रहेगा। ध्यान दीजिए ये लोन पेयर तो भाग ले लिया लेकिन ये ज्यों का क्यों रहेगा, तो इस समय को वैलेंसी जो होगा वे कितना 3। समझे बात को? तो
ऑक्सीजन का यदि आपसे कहा जाए कोवैलेंसी कितना होगा, तो क्या जवाब होगा हम लोगों का, कोवैलेंसी 2 और कोवैलेंसी 3। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा जो सर जी ऐसा ही हम H प्लस यहाँ कर दें एक और, तो अब तो H3H4O++ हो जाएगा, ऐसा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं पाया गया। इसीलिए यदि अब आपसे कहा जाए जो ऑक्सीजन का कोवैलेंसी कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे बाबू, 2 and 3। 2 तो बहुत आसानी से पकड़ लिए जो सब लोग जवाब दिए थे, लेकिन 3 ये एक अनमैच क्वालिटी हो गया। ठीक, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर अगला समझाते हैं। चलिए देखिए सल्फर का निकालना है। एक बच्चा कमेंट किए थे, सर जी अच्छा से समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप किए थे, बहुत अच्छी बात है, एकदम ऐसे ही, इससे मैं बहुत खुश हूँ। जो आपको यदि समझ में ना आए तो आप इसी तरह से व्हाट्सएप करें, आपको मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है समझाना, और मेरे पास किसी बच्चा को न समझ में आए तो दुनिया में ऐसा भी कोई पैदा नहीं हुआ जो भी किशोर सर के जैसा क्या करे, समझावे। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 4 है ना, देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 4 16। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको कौन सा स्टेट बोलिएगा, ग्राउंड स्टेट। अब सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, हाँ थोड़ा सा याद दिला दें, 3d0, जब 3 आ गया तो तीसरा जो सेल है उसमें d भी संभव है, दूसरा सेल में केवल s और p संभव है, पहला सेल में केवल s, तो ये बात कई बार हम बता दिए हैं, है ना, s s p s p और d, तो थर्ड सेल 1 2 3, तो d भी लिखा जाएगा, लेकिन d के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो अभी चलिए p के पास बात करें, यहां 4 है तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखें, अब कहीं भी रख देते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 2, तो देयरफॉर कोवैलेंसी इक्वल टू कितना 2। एग्जांपल मॉलिक्यूल का ले लीजिए H2S है, और यही देखिए यहाँ पे ये जो एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, वही यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब देखिए ये एक्साइटेड स्टेट कब सोचेंगे जो एक्साइटेड स्टेट होगा, तो तीसरा जो सेल है उसमें तो डी सब सेल पूरे खाली है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा सकता है। देखिए कैसे एक्साइट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट का घटना किस तरह का है भी देखिए, आपको यदि नाक के सामने अचार, आम का अचार समझते हैं ना, वो अचार ले जाया जाए, और जैसे ही अचार ले जाया जाए तो मुंह में अपने आप फटाफट पानी आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, और समझ लीजिए जिसको मुंह में पानी न आए अचार को सेंट से, समझिए वो आदमी नहीं है, समझ गया ना क्या हुआ। तो वे अचार कांटेक्ट में आया तो मुंह में पानी आ गया, उसी तरह से ये सल्फर जैसे ही किसी एलिमेंट के कांटेक्ट में जाएगा वे इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। अब ये क्यों, तो भगवान से पूछना पड़ेगा जो क्यों, समझ गए ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 तो 3d1, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया। तो चलिए अब ये जो आपका d है, d के पास कितना ऑर्बिटल 5,
तो एक दो तीन चार पांच, पांच बॉक्स, तो एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। यहाँ P हमेशा तो थ्री ही ना होगा, अब S इस तरह से। तो देखिए अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना, तो चार, तो इसीलिए कोवैलेंसी क्या बोल देंगे, फोर। अब एग्जांपल हम देखेंगे मॉलिक्यूल का, तो जब एग्जांपल मॉलिक्यूल का हम देखेंगे तो SF4। अब चलिए ये इसको कह दीजिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं जो ये जो वैलेंस सेल है उसमें यहां पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो ये जंप करके यहां जा सकता है। तो देखिए आप लोग ऊपर से देख लीजिए, अब हम वीडियो को थोड़ा नीचे करने का प्रयास करते हैं ताकि आप क्या कर सकें, समझ सकें मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे। चलिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 और 3d2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो d है एक दो तीन चार, तो एक दो अभी भी खाली है, फिर P के पास 1 2 3, फिर S, देख लीजिए अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 2 5 1 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, इसीलिए कोवैलेंसी इक्वल टू कितना होगा 6। एग्जांपल SF6। तो यदि आपसे हम पूछ दिए थे HW में जो कोवैलेंसी बताइए कितना, तो कहते जो 2, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 6, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर कर दिए थे जो कोवैलेंसी 6, मैक्सिमम कोवैलेंसी, बात भी सही है, लेकिन इस तरह से आपको दिखाना था जो 2 4 और 6। क्लियर है? तो हम लोग आगे अब बात करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चले अब हम क्लोरीन का एक्सप्लेन करके देखें, फिर से इस बार समझ में आ जाना चाहिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सबसे पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन इसमें जानना होगा, यदि कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्लियर नहीं है तो ये बनाने में परेशानी होगा। अब यहाँ पे P है और 3d कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है, तो देखिए ये P के पास जो ऑर्बिटल है वे 3, तो 3 1 4 1 5, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो 1, तो कोवैलेंसी कितना, तो 1। एग्जांपल HCl है ना, और इसके अलावा लोन पेयर कहेंगे कितना, 3 है। अब 3 कहाँ से है वे क्लियर हो जाना चाहिए, तो देखिए 1 2 3 यही लोन पेयर है। अब चलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ से यहाँ तक ज्यों का त्यों रहेगा, 3s2 3p4 और 3d1। देखिए आयना ये जो प्रोसेस है एक्साइटेशन, ये एक सक्सेसिव प्रोसेस है, जिस तरह से हम लोग जो है सो एक आम का पेड़ लगावें तो पहले वे पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर एक समय के बाद जो है फल लगेगा, पकेगा, वे एक सक्सेसिव प्रोसेस है। ऐसा कहीं देखे जो आज आम का पेड़ लगाए और कल पका हुआ फल मिला, ऐसा नहीं ना, तो इसी तरह से ये एक सक्सेसिव प्रोसेस है। तो आप देखिए ये डी, डी के पास और ऑर्बिटल कितना, तो 1 2 3 4 5। आप पी के पास तो ऑर्बिटल ज्यों का त्यों रहेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 4, और ये तो अभी ज्यों का त्यों है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद देखिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2 3, तो इसीलिए कोवैलेंसी कितना, तो 3। अब एग्जांपल ClF3, ठीक। चलिए अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
तो फिर हम कहेंगे 3s2, 3p3 और 3d2, क्योंकि ये प्रोसेस सक्सेसिव है, इसीलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक ना। एक दो, ये पांच तो ज्यों का त्यों रहेगा, 5 1 2 3, फिर बता दीजिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो 3 2 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, तो कोवैलेंसी समझिएगा, जो कोवैलेंसी इक्वल टू 5, एग्जांपल CLF5 आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा, तो 3s1, 3p3 और 3d3। अब हम डायरेक्ट दिखा देते हैं, डायरेक्ट क्या चाहिए, इतना ही के लिए है तो करिए देते हैं 3। अब यहाँ भी 3 और ये 1, तो देखिए 3 3 6 7, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ गया अभी कितना, 7 आ गया, और कोवैलेंसी कितना, 7, CLF7 इसका एग्जांपल है। क्लियर है बात को? तो यदि अब सवाल है जो आप पीरियड के हिसाब से निकालेंगे, तो इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, 6 होगा पीरियड के हिसाब से। एक आर्बिट्ररी रूल दिए थे ना, जो फर्स्ट पीरियड का कोवैलेंसी 2, सेकंड पीरियड का 4, थर्ड और फोर्थ का 6, तो उससे ये मैच नहीं कर रहा है, ये एक्सेप्शन बन गया, जो पीरियड के अनुसार होना चाहिए 6, लेकिन दे रहा है कितना, 7, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना, 7 होगा इसका। अब उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे, अब इसी से रिलेटेड और आगे अलग बात करें, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंसी। अभी तक आपको ये समझा रहे थे, कोवैलेंसी का दो रूल समझाए, एक तो पीरियड के आधार पर डायरेक्ट कहे जो रट जाइए, और दूसरा आपको समझा रहे थे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट और दिखा रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट में यदि हम लोग स्ट्रक्चर याद रख लें, स्ट्रक्चर के बारे में जान जाएं, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट कोवैलेंसी बोल सकते हो। चलिए देखते हैं, SO2 एक बार स्ट्रक्चर दे दिए हैं, अब दोबारा फिर दे रहे हैं ऐसा, और यही ना देखे थे। अब देखिए सिरजिविक के मैक्सिमम, ध्यान दीजिए, सिरजिविक मैक्सिमम रूल से जहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हैं, वे वास्तव में अब क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। जहां जहां आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे थे, वे डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना देख रहे हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 4, देयरफॉर कोवैलेंसी इक्वल टू कितना कह देंगे, 4। अब ये 4 सही है या गलत, इस बात को आपको चेक करना होगा, और ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा जो सल्फर किस पीरियड का एलिमेंट है। तो बता सकते हैं जो सल्फर किस पीरियड का एलिमेंट है, चलिए एक बार फिर हम याद दिला दें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये 16। नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू लास्ट हायर सेल, तो ये जो सेल है वे 2 2 4 6 10 12 4 16, हाँ, तो नंबर ऑफ पीरियड जो है, नंबर ऑफ पीरियड यानी किस पीरियड में बिलोंग करता है, वे लास्ट हायर सेल ही बताएगा। तो लास्ट हायर सेल कौन सा है, 3rd है, तो देयरफॉर पीरियड हम लोग क्या कह देंगे, 3rd कह देंगे, ठीक। जब पीरियड 3rd है, तो अब आपको एक सिंपली रूल समझाए हैं,
तो उस सिंपली रूल के तहत आप देखेंगे जो थ्री और फोर पीरियड वाले को, ध्यान दीजिए थ्री और फोर पीरियड वाले का मैक्सिमम कोवेलेंसी सिक्स है, यानी वे ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बना सकता है, छह बॉन्ड, और अभी तो हमको चार ही हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। समझे बात को, यानी जहां कहीं भी हम लोग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे वे सब का सब आप क्या कह देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे। लेकिन ध्यान रहे जो कोवेलेंसी रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार SO3, तो इस तरह से आपको दिखाए थे ऐसा, है ना। अब आपको नहीं याद है तो पीछे से रिवाइज कर लीजिए, ये ऐसा आपको दिखाए थे, और जब इसी को अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड में, यानी जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सबका सब डबल बॉन्ड। तो देखिए इस समय कोवेलेंसी कितना कह देंगे सल्फर का, सिक्स, और अब ये ना समझाए जो थर्ड पीरियड हो या फोर्थ उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना, सिक्स होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, यानी एक अभी अभी कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, जो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड था वे सब का सब अब क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन ध्यान रहे जो कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तब ये बात क्या होगा, सही होगा। चलिए और देख लें H2SO4, तो HOS ऐसा, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले दिखाए थे, अब डायरेक्ट हम डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं, तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह, इसीलिए कोवेलेंसी कितना, सिक्स, और ये बात तो सही है। HClO4 ओ सी एल सी एल सी एल, चलिए देखिए इससे पहले जो आपको दिखाए वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, अब क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, तो दो दो चार दो छह एक सात, तो कोवेलेंसी इक्वल टू कितना, तो हम कह देंगे सेवन। ध्यान दीजिए, चलिए देखिए बस इसी को बचा के रख लीजिए तो हम समझ जाएंगे जो आप कुछ पढ़े, बस यही एक बचाने लायक है, ध्यान से देखते रहिएगा। H O N O ऐसा लिखेंगे, अब आपको अभी अभी मैंने समझा रहा हूं, जो देखिए आप क्या करें, जो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उस सभी को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, यही ना समझा रहे हैं, तो यहां भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए कोवेलेंसी कितना, दो दो चार और एक पांच, यहां पे कोवेलेंसी कितना आ गया, फाइव। लेकिन याद है जो नाइट्रोजन तो कौन सा पीरियड में है, तो सेकंड पीरियड में, और सेकंड पीरियड में मैक्सिमम कोवेलेंसी चार ही होगा, इसलिए यहां पे ये दिखाना गलत है, यानी यही एक केस है जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए यहां कोवेलेंसी, तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन से लगा हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा, इसीलिए कोवेलेंसी इसका कितना, तो फोर। क्लियर है, फिर से एक बार और देख लीजिए H3PO4 HOPO HH, यही इसका स्ट्रक्चर है। आपसे हम यही बात समझा रहे हैं, जो जितने कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वही कोवेलेंसी, तो जैसे हम फास्फोरस का कोवेलेंसी चेक करना है, इसमें किसका कोवेलेंसी, सल्फर का, तो फास्फोरस का कोवेलेंसी चेक करना है, तो फास्फोरस से लगा हुआ बॉन्ड देखिए, तो एक दो तीन चार पांच, तो कोवेलेंसी कितना, फाइव। क्लियर है, यदि कोई पूछ दे ऑक्सीजन से,
तो कितना बॉन्ड देख रहे हैं, दो, तो कोवैलेंसी दो। कोई कह दे हाइड्रोजन से तो एक देख रहे हैं तो कोवैलेंसी वन। यानी जिस किसी का भी कोवैलेंसी फाइंड करना हो, देखेंगे वे कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, वही उसका क्या बन जाएगा, कोवैलेंसी बन जाएगा। अब हम डायरेक्ट कुछ आपको मॉलिक्यूल लिख दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप जो है कोवैलेंसी क्लियर कर लीजिएगा, हैं? ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा। यानी क्या समझे, जो कोवैलेंसी का मतलब हुआ जो कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो हम सिंपली देख लेंगे और देखेंगे जो कितना बॉन्ड बनाए हुआ है वही हमको क्या बन जाएगा, कोवैलेंसी बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। P4O10 याद है स्ट्रक्चर, नहीं याद है ना, हम जानते थे। जो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको यह स्ट्रक्चर याद होगा, और जिसको याद होगा वे महान बच्चा होगा। कौन सा बच्चा होगा, महान बच्चा। चलिए देखिए यहाँ पे, इससे पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाते थे, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, अब क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। तो बता दीजिए इस फास्फोरस का कोवैलेंसी कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5 कोवैलेंसी इक्वल टू 5। क्लियर हो गया बात, बता सकते हैं अब। बहुत अच्छा बच्चा। Cr2O7 है डबल माइनस, देखिए चौंकाने वाला खबर। Cr OO- OCr OO-। तो यहाँ पे ये क्रोमियम का कोवैलेंसी कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोवैलेंसी 6। लेकिन और इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंस। इसमें ये जो 6 3 बॉन्ड इधर से और 3 बॉन्ड इधर से, ये 6 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं 6 का 6 बॉन्ड, वे एक जैसा है, समझ रहे हैं बात को। ये जिस तरह से यहां माइनस दिखा दिए, कोई जरूरी नहीं इस पर माइनस, इस पर ले जाइए, इसको डबल बॉन्ड बना दीजिए। और क्रोमियम का कोवैलेंसी कितना, कोवैलेंसी ऑफ क्रोमियम कितना कह देंगे, 6 कह देंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए। बहुत अच्छा बच्चा, नोट कर लिए, नोट कीजिए अब फटाफट। अब जो है जल्दीबाजी करने की जरूरत है, अब बहुत बता दिए। N2O5, तो NON ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा, ये डबल बॉन्ड रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए तो यहाँ नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना है, NCERT में पूछा गया है कोवैलेंसी ऑफ N। तो क्या सिखाए आपको, जो जितने कोवैलेंट बॉन्ड हो वही उसका कोवैलेंसी बन जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 है ना, तो यहाँ पे कह देंगे जो N2O5 में नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना है, 4 है। क्लियर है, तो ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो जितना में रेड लाइनिंग किया हुआ है दिखाई पड़ रहा है, ये रेड लाइनिंग किया हुआ है, उस सभी एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, कोवैलेंसी निकाल करके हमको दिखाना है। क्लियर है, ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए ये देखिए, कुछ स्ट्रक्चर दे दिए। यह स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए दिए जो जहां कहीं भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख रहे थे, अब वहां क्या देखने लगे, डबल बॉन्ड देखने लगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंस रहा, जो साइक्लिक ट्राइमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये होता है एक्चुअली क्या, HPO3
को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो H3P3O9 बना। ये इसका नाम क्या है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये साइक्लिक ट्राइमेरिक मेटाफॉस्फोरिक। देखिए ये जो अभी स्ट्रक्चर लिखा रहे हैं ये अभी पीछा छूटने वाला नहीं है, इसमें आपको पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का भी बात होगा, इसीलिए बहुत पेशेंस से अभी ये हम लोगों को साथ साथ चलने वाला है। समझ गए बात को। तो S3O9 जो पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर बात कर रहे थे अब वही डबल बॉन्ड। तो बस आज हम ज्यादा कुछ बताए नहीं आप लोगों को, सिर्फ उसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किए। अगले रोज बताएंगे फॉर्मल चार्ज और H बॉन्ड स्टार्ट होगा। बस आज के लिए इतना ही।